हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपको इज एम आर के बारे में समझाऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों को इज एम आर का कंसेप्ट समझाने के लिए आप इस तरह के कुछ पिक्चर्स बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इज लिखा है सेंटर में, यहाँ पे एम लिखा है और यहाँ पे आर लिखा है। इससे क्या होगा कि बच्चों को थोड़ा सा कलरफुल में थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा और ये भी पता चलेगा कि इज किससे कनेक्ट हो रखा है, इज के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे और आर के लिए हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं और एम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो ये आप बच्चों को इस तरीके से कुछ कलरफुल पिक्चर बनाकर समझाएंगे तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा। सबसे पहले मैं एम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि एम में सिर्फ सिंगल एक वर्ड ही होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा आई। हम एम जो लगाते हैं वो आई के साथ ही लगाते हैं, आई एम। तो आप सबसे पहले इसको बताइए, उसके बाद आता है इज। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें ये भी लिखा हुआ है सिंगुलर, तो इज क्या होता है, जो हमारा सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है। तो नाउन और प्रोनाउन बच्चों ने पहले ही पढ़ लिए हैं तो उसमें आप बच्चों को एग्जाम्पल दे के समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट और इसके अलावा जो थिंग्स में यूज होते हैं दिस और दैट। तो आप ये देख ही रहे हैं ये सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं। तो जब भी हम सिंगुलर पर्सन, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग इन सब की बात करेंगे तब हम इज लगाते हैं। उसके बाद आता है आर। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा प्लूरल आता है। हम क्या लगाते हैं, नाउन और प्रोनाउन ही यूज करेंगे, जैसे वी, यू, बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो। इसके अलावा दीज, दोज, दे। तो आप इस तरीके से बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगा। ये दोनों इज सिंगुलर के लिए यूज होगा, आई भी सिंगुलर के लिए यूज होगा और जो आर होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। उसके बाद आप बच्चों को कुछ सेंटेंसेस बनाकर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाए हैं, कंप्लीट द सेंटेंस यूज ऑफ इज। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ इज के सेंटेंस लिखे हैं। दिस इज ए कैट, दैट इज अ कैट, शी इज ईशा, ही इज राहुल, इट इज अ पेन। तो इन सब में क्या आ रहा है, इज आ रहा है। तो ये आपको बच्चों को बताना है कि इज वाले सेंटेंस इस तरीके से बनाए जाते हैं। उसके बाद यूज ऑफ आर, दीज आर कैट्स, दोज आर कैट्स, सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स, अरुण एंड वरुण आर ईटिंग एप्पल्स, वी आर गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे मैंने पिक्चर में बताया था तो वही वर्ड्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं और आर लगाया है। तो आप इस तरीके से सेंटेंस बनाकर देंगे तो बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद यूज ऑफ एम, आई एम अ मैन, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ बॉय, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ गर्ल, आई एम अ डांसर। तो आप देख ही रहे हैं कि एम के साथ हमेशा हमारा क्या लगता है, आई लगता है। तो ये भी आप बच्चों को इस तरीके से सेंटेंस बनाकर देंगे तो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा। जब आप बच्चों को इज एम आर का कंसेप्ट क्लियर करा देंगे उसके बाद आप छोटी सी एक्टिविटी इस तरह से दे सकते हैं, जैसे कनेक्ट द सेंटेंसेस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई लिखा है, उसके बाद ही, शी, इट, दिस, दैट, राम, उसके बाद वी, यू, दे, दोज, दीज, राम एंड देव, यहाँ पे दो नेम लिखे हुए हैं। तो उसके आगे हमने क्या लिखा है, एम, आई के साथ एम लगता है, इन सब के साथ इज लगेगा और इन सब के साथ आर लगेगा। तो आप बच्चों को इस तरह से दे सकते हैं क्योंकि सभी में एक वर्ड यूज करना है। आई एम मूविंग, ही इज मूविंग, शी इज मूविंग, इट इज मूविंग, दिस इज मूविंग, दैट इज मूविंग, राम इज मूविंग। तो आप इस तरीके से सेंटेंसेस बच्चों को रटा भी सकते हैं एक तरह से और रिवाइज करा सकते हैं। उसके बाद वी, यू, दे, दोस, ये जो है इनको भी आप ऐसे करा सकते हैं, वी आर मूविंग, यू आर मूविंग, दे आर मूविंग, दोस आर मूविंग, दीज आर मूविंग, राम
कम एंड दे आर मूविंग। आप यहाँ पे मूविंग की जगह पे और भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, रीडिंग, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मूविंग वर्ड यूज किया है। जब बच्चों को इज एम आर समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप कुछ ऐसे फिलअप्स बनाकर दीजिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले शी डैश डांसिंग, तो शी के साथ बच्चों को पता चल गया कि क्या लगेगा, इज लगेगा, तो यहाँ पे बच्चा इज लिख देगा, शी इज डांसिंग। इट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, इट इज हर माइक। ही के साथ क्या लगेगा, ही डैश एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। उसके बाद वी डैश फ्रेंड्स, तो वी के साथ बच्चों को पता है क्या लगेगा, वी आर फ्रेंड्स। यू डैश गोइंग टू स्कूल, यू के साथ आर, यू आर गोइंग टू स्कूल। इट डैश हर पेन, इट इज हर पेन। आई, आई के साथ एम, आई एम कुकिंग फूड। दे आर, दे आर ईशास पेरेंट्स। दिस, दिस के साथ क्या लगता है, इज, दिस इज अ ट्री। उसके बाद दैट, दैट के साथ भी इज आता है, दैट इज अ पिकॉक। तो बच्चों को आप इस तरीके से फिलअप्स कराइए, डेली प्रैक्टिस में दीजिए, तो बच्चे आराम से इज एम आर में अंतर भी समझेंगे और ये इजीली कर भी पाएंगे। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए एक्सरसाइज, इज एम आर के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे इज एम आर लिखकर और ये फ्लावर्स की लीव्स बना के और यहाँ पे कुछ मत लिखिएगा, और उससे क्या होगा कि बच्चा खुद लिखेगा कि इसके साथ क्या क्या कनेक्ट होते हैं। तो ये भी इस तरह की एक्टिविटी आप दोबारा से रिपीट करा सकते हैं, पहले खुद बनाइए उसके बाद बच्चों से बनवाइए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।